Q6 का क्वेश्चन नंबर 25, कोड Q6 है। तो लाइट एंटर थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पी विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे एंटर किया एज शोन इन फिगर। इट ट्रेवल थ्रू अ प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, बेस के ये पैरेलल ऐसे आया है, ओके, एंड इमर्जेज एट द फेस ए सी फेस पे ऐसे इमर्ज किया ग्रेजिंग करते हुए इसको। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो यहाँ पे ये ऐसे ग्रेजिंग करते हुए आया है इस तरह से, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये क्रिटिकल एंगल होगा इस मीडियम के लिए, क्योंकि डेंसर मीडियम से बाहर जब जाता है लाइट और 90 डिग्री हो जाता है तो ये IC होता है, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल है और तो ये एंगल क्या होगा, तो इसको R1 और इसको R2 बोले एंगल, तो R1 प्लस R2 दोनों मिलाकर ये A एंगल होता है जो कि 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल, एक एंगल IC हमको पता है, तो इस एंगल को R1 अगर हम माने हैं, या इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लीजिए, तो R2 का वैल्यू हमको पता है कि IC है, प्लस R1 का वैल्यू मतलब ये वाले एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस IC, तो R1 हो गया 90 माइनस IC, राइट, इतना मिल गया। अब यहाँ पे R1 मिल गया, तो इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R ऐसे होता है। तो μ1 1 है, बाहर एयर है इसलिए, और साइन 30 डिग्री लिख दिए, बाहर में क्या था, एयर था, तो साइन 30 डिग्री, और ये इसका वैल्यू 1 ले लिया है मैंने, 1 इक्वल टू μ2 अननोन है मेरे लिए, ये पूछा है कितना है, और साइन R, तो साइन R का वैल्यू कितना है, 90 माइनस IC है R का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है हाफ, और म्यू एज इट इज रहा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो इसको कॉस I लिख देते हैं हम ऐसे, राइट। तो म्यू का वैल्यू मुझे निकालना है, तो 1/2 इक्वल टू म्यू, और कॉस का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, कॉस का साइन के टर्म में। अब क्या करना है यहाँ पे, कि कॉस IC है, मुझे म्यू निकालना है, तो कॉस IC को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 1/2 इक्वल टू म्यू, और इस कॉस IC को मैं म्यू के टर्म में यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए साइन IC जो होता है ना, क्रिटिकल एंगल, उसका वैल्यू होता है 1/μ, राइट, और हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन IC का वैल्यू 1/μ है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर बाई μ स्क्वायर, यानी 1/μ का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ² - 1/μ² का रूट, तो μ² - 1 रूट में रह जाएगा, और नीचे μ² का रूट कैंसिल होके अकेले म्यू रह जाएगा। अभी ये कॉस का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे लाके इस कॉस के जगह, तो कॉस आई का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट μ² - 1/μ, ये म्यू से ये म्यू कैंसिल हो गया, और ये 1/2 यहाँ है ही, तो अब कितना ये आ जाएगा, देखिए इधर कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, ये रूट है ना, इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर दिए, तो इसके इस तरफ आ गया μ² - 1, फिर इस 1 को इधर ले जाइए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, और उसमें ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा इक्वल टू μ², तो 4 + 1 5/4 इक्वल टू μ², राइट, तो म्यू का वैल्यू इसका रूट लग जाएगा, तो म्यू होगा √5, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो √5/2, √5/2 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकेंड 1।